हेलो एवरीवन, हम सब जानते हैं कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा बहुत सारी नेशनल लेवल पे एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाती हैं। तो आज हम एसएससी के द्वारा आयोजित सीएचएसएल एग्जाम जो कंडक्ट कराई जाती है, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी दूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एसएससी संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर सीएचएसएल परीक्षा विभिन्न तृतीय श्रेणी पदों की भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में से एक है। इसमें आपको तृतीय श्रेणी पद पे भर्ती मिल की जाती है। अब एसएससी सीएचएसएल के अंदर जो पोस्ट आते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो वो पोस्ट है लोअर डिविजन क्लर्क एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट जेएसए, सेकेंड है पोस्टल असिस्टेंट पीए, सॉर्टिंग असिस्टेंट एसए, डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ ग्रेड ए। अब हम पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। तो एलडीसी की पोस्ट और जेएसए की जो पोस्ट होती है उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कैंडिडेट को 12th पास होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। और पीए की पोस्ट और एसए की पोस्ट के लिए 12th होना चाहिए या फिर ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। डीईओ के लिए 12th होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन है डीईओ इन कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया सीएनएजी के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होना चाहिए, ग्रेजुएट इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स मैथ सब्जेक्ट उनका इसके लिए होना चाहिए। अब इनके पे स्केल को देख लेते हैं। तो लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी की जो पोस्ट होती है उनकी पे स्केल 19,900 से 63,200 तक होती है। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट जेएसए की जो पोस्ट होती है उनकी सैलरी 19,900 से 63,200 तक होती है। पोस्टल असिस्टेंट पीए इनका पे स्केल 25,500 से 81,100 तक होती है। सॉर्टिंग असिस्टेंट एसए इनकी पे स्केल 25,500 से 81,100 तक होती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ लेवल 4 की पे स्केल होती है इनकी 25,500 से 81,100 तक। डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ की पे स्केल लेवल 5 की होती है जो 29,200 से 92,300 तक होती है। और ग्रेड ए डीईओ जो होते हैं उनकी सैलरी 25,500 से 81,100 तक होती है। अब इसके एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। तो ये डिफरेंट टू फेजेस में एग्जाम होता है, एक टायर 1 जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है और टायर 2 जिसके लिए ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होता है और साथ में स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाता है। और टायर 2 का जो एग्जाम होता है वो 3 सेक्शन में होता है, 2 मॉड्यूल में लिया जाता है। अब एसएससी सीएचएसएल टायर 1 एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें जनरल इंटेलिजेंस ये 25 क्वेश्चंस होते हैं और 50 मार्क्स के होते हैं। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड और 50 मार्क्स के होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल होता है ये 25 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स के होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज 25 क्वेश्चंस एंड ये 50 मार्क्स के होते हैं, यानी टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स का पूछा जाता है। और आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है और पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट को 80 मिनट का टाइम मिलता है। अब एसएससी सीएचएसएल टायर 2 एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। तो इसमें सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में एग्जाम लिया जाता है जिसमें मैथमेटिकल एबिलिटी से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 180 मार्क्स का होता है और 1 आवर का आपको टाइम मिलता है। और सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये 180 मार्क्स का होता है और 1 आवर का टाइम दिया जाता है। और सेक्शन 3 मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल होता है, इसके लिए 15 क्वेश्चंस होते हैं और ये 45 मार्क्स के पूछे जाते हैं और 15 मिनट का होता है। और सेशन 2 में मॉड्यूल 2 जो होता है वो स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट,
स्किल टेस्ट फॉर डीईओ और इनका टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है एलडीसी एनजेएसए वालों का और ये 15 मिनट का होता है। अब इसके टाइपिंग में वर्ड पर मिनट कितना होना चाहिए, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। अब लोअर डिविजन कलर के लिए इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट एंड हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। कोट कलर के लिए इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड्स पर मिनट एंड हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। अब इसके सिलेबस को देखें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सिलेबस में लॉजिकल रीजनिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फाबेट टेस्ट, डाटा एफिशिएंसी, कोडेड इनइक्वालिटीज, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, टेबुलेशन, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डीकोडिंग, ये सारी चीजें पूछी जाती है इनसे रिलेटेड। क्वांटिटेटिव एबिलिटी सिलेबस जो होता है उसमें सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन से आपका पूछा जाता है सिलेंडर कोन स्पेयर, डाटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, सिक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन, इन सारे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पारा जम्बल्स, मिसलेनियस, फिलिंग द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, इनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस सिलेबस में आपके इकोनॉमिक, साइंस, ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड एंड ऑनर, बुक्स एंड ऑथर, इन सबसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं ये सारी चीजें। टायर टू सिलेबस देख लेते हैं तो मैथमेटिकल एबिलिटी में नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, अलजेब्रा से, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, एस्टेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये सारे आप नोट कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें एनालॉगी, सिंबॉलिक ऑपरेशन, सिंबॉलिक नंबर एनालॉगी, ट्रेंड्स, फिगर एनालॉगी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक एंड नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इंटरफेरेंस, फिगर सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, इन सारे से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, मिसस्पेल्ड वर्ड, आइटम्स एंड फ्रेजेस, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ये सारी चीजें आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछी जाती हैं। जनरल अवेयरनेस में भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हिस्ट्री, भूगोल, संस्कृति, आर्थिक दृश्य, सामान्य नीति और वैज्ञानिक अनुसंधान से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कंप्यूटर नॉलेज में आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू से रिलेटेड, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, विंडो एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस में आपके विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइक एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें की नॉलेज आपको होनी चाहिए। आपको इंटरनेट और ईमेल पे भी काम करना आना चाहिए। इसमें आपको वेब ब्राउजिंग, सर्चिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, मैनेजिंग एंड ईमेल अकाउंट, ई बैंकिंग, ये सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी में आपको नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड प्रोटोकॉल्स पता होना चाहिए, नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स। ओके, तो आप और भी जॉब अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।